हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हथेली की शेप है वो बिल्कुल एक स्क्वायर जैसी शेप यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रही है। ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की यहाँ पर बन रही है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को शो करती है। और फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं और काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिकनेस है यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छी एनर्जी को शो करती हैं। काफ़ी अच्छा स्टैमिना इनके भीतर रहेगा, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी रहेगी जो फिंगर्स की थिकनेस यहाँ शो कर रही है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इनकी सूर्य फिंगर से, जो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाती हैं। काफ़ी अच्छी लेंथ है यहाँ पर बृहस्पति फिंगर की, और सूर्य फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। थोड़ी सी टिल्टेड है सूर्य फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ी सी कमियाँ रहती हैं क्रिएटिविटी में, अदरवाइज़ यहाँ पर फिंगर का साइज़ अच्छा है। और शनि फिंगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, हाई सेट है सबसे ज़्यादा, जो यहाँ पर इनको मेहनती बनाएगी। और काफ़ी अच्छी मेहनती नेचर होने की वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी रहेगी। और अगर देखा जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर जो है यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही, साइज़ में शॉर्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रहते हैं। और लो सेट होने से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग में लो सेट होने की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं, शाइनेस जैसा स्वभाव रहता है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते ऐसे लोग, दूसरों से थोड़ी सी शर्म या झिझक महसूस करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ एक लाइन चेक करने के लिए कि कौन सा माउंट सबसे हाई सेट है और कौन सा लो सेट है, तो यहाँ पर एक इस तरह की लाइन बन रही है जिसमें इनका शनि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई सेट और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आ रहा है, और उसके बाद सूर्य, और उसके तीसरे नंबर पर जो साइज़ है माउंट का बृहस्पति का अच्छा है, और यहाँ पर बुध माउंट सबसे ज़्यादा लो सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बुध की क्वालिटीज़ थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई, और शनि और गुरु की क्वालिटीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका गुरु माउंट है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा गुरु वल्लया बनता हुआ आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह का गुरु वल्लया बनता हो। यहाँ से थोड़ा सा वीक हो रहा है लेकिन एक अच्छी गोलाकार आकृति बन रही है, क्रेसेंट आकृति बन रही है जो इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर इस तरह का गुरु वल्लया बनना व्यक्ति को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है, धर्म कर्म के कामों में रुचि रहती है, और यहाँ पर इस तरह का जो गुरु वल्लया होता है व्यक्ति को एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर धर्म के क्षेत्र में। अगर किसी धार्मिक संस्था को यह ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक उच्च पद यह पा सकते हैं, काफ़ी लकी माना जाता है इस तरह का गुरु वल्लया बनना। ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी स्पेस जो है कम मिल पा रही है गुरु माउंट को, और फिंगर का साइज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ी सी ईगो भी रह सकती है अपनी नॉलेज की वजह से, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम की तरफ भी इशारा करती हैं। आगे देखते हैं शनि माउंट को, तो शनि माउंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई सेट और प्रभावशाली माउंट है इनके हाथ में, शनि की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहेगी। और अगर देखा जाए तो इनकी जो शनि रेखा है काफ़ी लंबी है, और यहाँ पर चंद्रमा के एरिया से निकलकर शनि रेखा आगे बढ़ती हुई और इनके
शनि माउंट तक पहुंचती हुई। आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की शनि रेखा। जो यहाँ पर मून एरिया है, यह हमारे बाहरी व्यक्तियों का एरिया माना जाता है, खास तौर पर अगर मैरिड हो तो ससुराल पक्ष का, और विदेश का भी एरिया इसी को माना जाता है। तो अच्छी सपोर्ट रहती है जब कभी जो भाग्य रेखा है वह चंद्रमा के एरिया से निकलकर आगे बढ़े और पूरी तरह से पहुंच जाए शनि पर्वत के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट रहती है। इवन फॉरेन जाने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे व्यक्ति के। और बाहरी सपोर्ट यहाँ पर सिर्फ स्पाउस की सपोर्ट ही नहीं, क्लाइंट्स की तरफ से भी अच्छी सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। तो यहाँ पर शनि हाई सेट हैं और अच्छी शनि रेखा है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकी इनकम रहने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम रहने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट। तो सूर्य माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखा का होना इनको नेम एंड फेम दिलवाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस साइज़ की सूर्य रेखा, जो लगभग जो इसकी शुरुआत है सूर्य रेखा की, वह 45 यानी 45 की एज के बाद से होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद काफ़ी लंबी रेखा और थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है शनि माउंट की तरफ, और यहाँ पर किसी और रेखा का काटना उसको थोड़ा सा इसमें वीकनेस पैदा करता है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में इनकी रहने वाली है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक और रेखा नज़र आ रही है जो बिल्कुल प्रॉपर सूर्य माउंट के ऊपर है, जो इनको ओल्ड एज में चलकर काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकती है। आगे देखते हैं बुध माउंट को यानी मरकरी को। तो मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो खड़ी रेखाएं हैं उनको आपको ड्रॉ कर दिखवाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जो यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाती हैं, माइंड को शार्प करती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं होना जो कम्युनिकेशन स्किल्स की वीकनेस है, लो सेट होने की वजह से, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो मर्करी माउंट है यहाँ पर एवरेज रिजल्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइनों के साथ हार्ट की लाइन शुरू होती हुई और आगे बढ़कर पूरी तरह से दोनों माउंट्स के सेंटर में पहुंचती हुई। थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर रह सकती है, रोमांटिक टाइप की नेचर रह सकती है, और यहाँ पर इस लाइन का परफेक्ट प्लेस पे पहुँचना इनको बहुत ही केयरिंग टाइप का इंसान शो कर रही है, बहुत ही इमोशनल और केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने के चांसेस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन यहाँ पर। उसके अलावा आप देख सकते हैं माइंड की लाइन भी यहाँ पर काफ़ी लंबी है इनकी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कुछ इस साइज़ की माइंड की लाइन का होना बहुत ही तेज़ दिमाग को शो करता है। शार्प माइंडेड व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन भी कमा लेते हैं। तो यहाँ पर माइंड की लाइन का अच्छा होना एक तरह से अपने आप में धन योग कहलाता है, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन भी इकट्ठा कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और स्टडीज़ में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। और ख़ास तौर पर मेमोरी शार्प रहती है अगर इस तरह की जो रेखा है माइंड की वो काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। इसके आगे चेक करते हैं इनकी लाइफ लाइन को, जो यहाँ पर बाहर की तरफ शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। लाइफ लाइन का इस तरह से चलना आपको दिखाना चाहूँगा, और बाहर की तरफ एक ऑफ शूट का निकलना यहाँ पर घर से दूर सेटल होने के चांसेस को दर्शाता है। आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से कोर्स चेंज करती हुई, और जो अंदर रेखाएँ हैं या मंगल रेखाएँ इनको काफ़ी अच्छी एक तरह से करज देती हुई अच्छी प्रॉपर्टी बनने के चांसेस दिखलाती हुई। यहाँ पर इस तरह की अंदर की तरफ रेखाएं होना, मंगल रेखाएं व्यक्ति को करजियस बनाती हैं, ब्रेव बनाती हैं, और मंगल जो है भूमि के कारक का है, तो काफ़ी अच्छी भूमि यानी कि कोई प्लॉट या कोई ज़मीन यह अपनी लाइफ में खरीद सकते हैं, जो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। और इस तरह की लंबी रेखा होना आपको दिखाना चाहूँगा किस साइज़ की रेखा बन रही है।
कुछ इस साइज की इनकी लाइफ की लाइन पूरी तरह से बाहर की तरफ निकलकर वीनस को एनसर्कल करती हुई, जो एक लंबी एज को भी शो करती है। और यहाँ पर यह दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा गैप बनता हुआ नजर आ रहा है, उस गैप को यह जो अंदर की रेखा है मंगल रेखा कंप्लीट करती हुई, तो कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं 55 के अराउंड एज में, लेकिन उसको भी यहाँ पर यह लाइन कंप्लीट कर रही है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर भी मैं 50s के आसपास की एज में थोड़ी सी फेट लाइन में भी जो लाइन काटती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर लाइन थोड़ी सी वीक हो रही है, तो 50 प्लस की एज में थोड़ी सी हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम का इनको सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल घर से दूर सेटल होंगे, और यहाँ पर इस चीज़ के चांसेस भी हैं कि विदेश में जाकर भी बसने की डिज़ायर रह सकती है, और यहाँ पर फॉरेन जाने के चांसेस भी हैं, क्योंकि जो इनकी फेट लाइन है वो भी मर्ज होकर, चंद्रमा से चलती हुई मर्ज होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पर लाइन का पीछे की तरफ मुड़ना कहीं ना कहीं इनको अटैच रखेगा अपने बर्थ प्लेस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस घर से दूर रहने के ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वीनस का एरिया यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी वरी लाइंस भी हैं यहाँ पर, हल्की वरी लाइंस जो इनको कुछ चिंताएं दे सकती हैं, लेकिन वीनस का उभरा हुआ होना व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं प्रोवाइड करता है। लाइफ में यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं जो लाइंस इनकी लाइफ लाइन को काटती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सभी स्ट्रेस की लाइंस हैं जो मिडल एज तक इनको थोड़ा परेशान रख सकती हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 45 के अराउंड एज के बाद काफ़ी अच्छी लाइफ की लाइन आगे चलकर काफ़ी अच्छी लाइफ को यहाँ पर शो करती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।